फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। यूपी के सचिवालय का बापू भवन वो हिस्सा है जो हाई सिक्योरिटी जोन है, जहां घुसने से पहले सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ता है। पर वक्फ घोटाले के गुनेगारों ने यहां भी सिरमारी कर दी और वक्फ बोर्ड के पिछले 5 सालों के ऑडिट फाइलें चोरी कर लिए गए। वक्फ की संपत्ति खरीद बिक्री में खेल, पहले फाइलें चली अब फाइलें चोरी। पिछली सरकार में वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे के मामलों में योगी सरकार अब एक्शन में है। 12 अक्टूबर 2019 को ही सरकार CBI जांच की सिफारिश कर चुकी थी, पर उससे पहले ही फाइलें चोरी कर ली गई। जानकारी के मुताबिक यूपी अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ अनुभाग 2 से फाइल चोरी होने का मामला सामने आया है। इस मामले पर FIR भी दर्ज कराई जा चुकी है। FIR में उल्लेख किया गया है कि सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ का भी जीर्णोद्धार किया गया था और अधिकारियों और कर्मियों के लिए अलग अलग स्थानों पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। वहीं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खुद सरकार के मंत्री पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। CBI का सिकंजा, गुनेगारों की घबराहट। CBI जांच में गर्दन फंसने के डर से गुनेगारों में मचा हड़कंप। वे जानते हैं कि चोरी की गई फाइलों में ही उनकी जान अटकी हुई थी।